सिटी गैस वितरण परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम के संबंध में मंगलवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल में वाइस प्रेसिडेंट टॉरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। टॉरेंट कंपनी के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि विज्ञान भवन दिल्ली से भारत के सुदूर 26 राज्य और संघ शासित प्रदेशों में फैली हुई देश की लगभग आधी जनसंख्या के लिए सुविधाजनक, पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के क्रम में 9वीं सिटी गैस वितरण परियोजनाओं का 129 जिलों में स्थित 65 भौगोलिक क्षेत्रों में नगर गैस वितरण परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के दीक्षा भवन में 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रकाश सजनानी और टॉरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने उपरोक्त जानकारी देते हुए कहा। माननीय प्रधानमंत्री की पहल को In about 40 countries where we export our products, we have got 2000 plus products registered and we have got 8 manufacturing facilities across the country. Integrated power utility, when I say integrated power utility, means we are into generation, we are into transmission and we are into the revenue for the year 2017-18 was 11,500 crores. We have got a generation, that is a power generation capacity of 3,600 megawatt. We have got 3 million customers, 3 million plus, that is 30. So these are the four places where we are the licensing. तो पहली चीज जो PNGRB की हम बात करें, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है जो गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके पर्पज क्या है? वो पर्पज था टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडियन एनर्जी बास्केट। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड का पिछले देखेंगे तो वर्ल्ड में जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होती है ज्यादातर देशों में, जो आपका US है, यूरोप है, वहाँ पर 26-25% जो है नेचुरल गैस यूज होती है, जिससे कि वहाँ का एनवायरमेंट थोड़ा बेटर रहता है। यहाँ पे हिंदुस्तान में ये करीब 6%। तो अभी जो गवर्नमेंट का एफर्ट्स है इसके PNGRB के थ्रू, ये है कि हम उसको जो 6% कंजम्पशन नेचुरल गैस का इंडिया में है एनर्जी बास्केट में, उसको हम करीब करीब 25% तक बढ़ा करेंगे। ये अगले 2025 तक 2026 की हम लोग का एम। अगर मैं नेचुरल गैस का कंजम्पशन बढ़ाता हूँ तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, जिसमें से पाइपलाइन है, ठीक है, पाइपलाइन को गैस को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना पड़ता है, उसके बाद में गैस को जो है आपका एक्सप्लोरेशन के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तब मेरा धीरे धीरे जो है कंजम्पशन गैस का बढ़ेगा। तीसरा है कि एस्टेब्लिश अ ट्रांसपेरेंट एंड वाइब्रेंट नेचुरल गैस मार्केट इन इंडिया। तो मार्केट ये नेचुरल गैस का आया कहाँ? क्योंकि नेचुरल गैस ज़्यादातर जो यूज होती है या तो आपका पावर प्लांट में यूज होती या फर्टिलाइजर प्लांट में यूज होती थी, उसके अलावा इंडस्ट्रीज में दूसरे में यूज होती थी, और तीसरा है हाउस होल्ड जो गैसेज है, जो घर में हम लोग LPG है उसकी जगह हम नेचुरल गैस का यूज करें, एक वो, और चौथा जो है वो है आपकी CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है ये एक्चुअली एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है। वैसे तो हम लोग कोल भी यूज करते हैं, फर्नेस ऑयल भी यूज करते हैं, आप जो है LPG यूज करते हैं, आप बहुत सारा जो दूसरे प्रोडक्ट जो भी रॉ मटेरियल भी आप यूज करते हैं, बट जो गैस है वो नेचुरल फ्रेंडली होती है, एनवायरमेंट का जो है पॉल्यूशन कम होता है। और इसी को देखते हुए आप लोग अगर ये नाम सुना हो COP 21, इसमें 21 कंट्रीज ने बैठ करके एक कॉन्फ्रेंस ही पैरिस में की थी, उसमें इंडिया ने कुछ कमिटमेंट लिया था कि हम लोग जो है इतना जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये हम इतने बढ़ाएंगे जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन कम होगा, उसको एफर्ट्स में भी करने की उस डायरेक्शन में हम लोग के सबके एफर्ट्स। उसके अलावा जो है चीपर देन LPG, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे LPG कॉस्ट तो ये चीपर भी है। और उसका तीसरा है कि रिसेंटली वी आर मोर नेचुरल गैस देन द ऑयल। जब मैं जितने भी अगर आप देखेंगे जो भी बॉम्बे हाई में या KG बेसिन में कावेरी में जो भी नए डिस्कवरीज हो रही हैं, उसमें दो चीज़ें होती है, या तो गैस निकलती है या उसमें क्रूड ऑयल निकलता है या कहीं कहीं पर कम्बिनेशन होता है, तो वो ज़्यादातर अगर आपकी नई डिस्कवरी हो रही है उसमें गैस निकल रही है। जब गैस निकल रही है तो मैं गैस को ही ज़्यादा एंकरेज करूँगा, अदरवाइज मेरे को जो है जो क्रूड है वो मेरे को ऑलमोस्ट 85% दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो नेचुरल गैस हमारे यहाँ है तो उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हैं। और ये है दूसरा, नेचुरल गैस इज चीपर देन द लिक्विड फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जब मैं इसको जो है दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करता हूँ तो ये चीपर भी है। और एक सबसे बड़ी क्वालिटी वो ये है
यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, वो है हमारी कि नेचुरल गैस मच मोर सेफर देन द अदर फ्यूल। अगर आप इसको एलपीजी घर में हम यूज करते हैं उससे मैं कंपेरिजन करता हूँ, तो एलपीजी अगर आपके घर में आपने देखा होगा कभी भी लीक हो जाती है तो उसके बाद जो एक्सीडेंट होता है, जो सिलेंडर ब्लास्ट होता है, वो चीजें यहाँ होने की उम्मीद नहीं। यहाँ पे होता क्या है कि जब आपकी इसके रीजन है कि नेचुरल गैस जो है वो एयर से लाइटर है, अगर मेरी कहीं पे भी गैस जो है पाइप से लीक होती है तो वो क्योंकि हवा से हल्की है तो वो आसमान में उड़ के चली जाती है, लेकिन जो एलपीजी है वो हवा से भारी है तो वो नीचे ही सेटल हो जाती है। तो जब भी आप स्विच ऑन करते हो घर में, कहीं भी कोई बीड़ी सिगरेट माच कुछ भी जलाता है तो वो जो है उसको आग पकड़ लेती है, तो ये सेफर भी है, तो ये इसका जो है एडवांटेज है। नाम सुना होगा आईजीएल इंफ्रास गैस लिमिटेड बॉम्बे में एमजीएल है, उसके बाद में जो है कानपुर बरेली में जो है सीयूजीएल है, सेंट्रल इंडियन गैस लिमिटेड, उसके भागलपुर में गैस लिमिटेड है, उसके बाद में इंदौर में जो है ओंतिका गैस लिमिटेड है, ये अडानी गैस लिमिटेड है, बहुत सारी कंपनीज है अभी टोरेंट जैसे स्पीड, तो इनकी बिडिंग होती है, वो जो है जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट के हैं उसके हिसाब से लोग बिड करते हैं, जो उसमें जीतता है उसको डिस्ट्रिक्ट को दे दिया जाए, उसको जीए बोलते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया बोलते हैं, उसमें दो तीन डिस्ट्रिक्ट कुछ भी हो सकता है, तो वो इस तरह से बिडिंग अब तक हुई है। तो 8 बिडिंग पहले हुई थी, 9वीं बिडिंग अभी कुछ दिन पहले हुई थी, जिसके बेस पे नए नए सिटीज अभी अलॉट किए गए हैं, और जो 22nd को हमारा प्रोग्राम होता है प्राइम मिनिस्टर ऑनर प्राइम मिनिस्टर हमारी 9th जो 10th बिडिंग है उसका इनोग्रेशन है, 9th बिडिंग का ये होगा, ये जीए इनोग्रेट होंगे, और उसके अलावा 10th वाला जो बिडेगा उसका जो है आगे से फ्लोट होगा, और उसमें जो हमारे 50 जीए हैं उनके बारे में ऑप्शन होगा, ऑप्शन करने के बाद पता चलेगा किस कंपनी को कौन सा सिटी मिल रहा है जो बैलेंस है। तो ये हमारा 8th राउंड पहले हो गया, 9th कम्प्लीट हो गया और 10th जो है अभी हो। आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 40 लाख से ज्यादा घरों में ये नेचुरल गैस यूज हो रही है घर पर कुकिंग पर्पस के लिए, और अगर देखेंगे तो करीब करीब जो है 30 लाख व्हीकल्स में ये सीएनजी यूज हो रही है, और दिल्ली में आपने 30 लाख व्हीकल्स में जो है उसमें आपका कुछ भी हो सकता है, ऑटो है, कार है, बस है, कुछ मिनी ट्रक्स है, उनमें सब में आपके लिए गुजरात में मिला है तो ये, लेकिन यूपी में हम लोग क्योंकि जो है गोरखपुर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो मेजोरिटी ऑफ द कनेक्शन यहाँ होंगे, उसके बाद साइज के हिसाब से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो अगर आपका क्लीन फ्यूल जो यूज करना चाहेंगे जिनको क्वालिटी पे वो सब जो है आपका कमर्शियल कनेक्शन मांगे। और चौथा जो एलिमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है वो सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, तो ये एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट है जो कि सीजीडी के अंदर है, हर एक सीजीडी अपने अपने लिए घरों में कनेक्शन देगा, सीएनजी प्रोवाइड करेगा व्हीकल्स के लिए, इंडस्ट्री को देगा जो भी वहाँ पे लेना चाहेगा, उसके बाद कमर्शियल को देगा जो जो भी लेना चाहेगा। क्या होता है कि मैं पहले जो गैस है वो गेल से लूंगा, जो टॉरेंट गैस है पहले वो गैस जो ट्रांसपोर्ट करने का काम उसका गेल का है, आपने देखा होगा ऊर्जा गंगा के नाम से यहाँ पाइपलाइन ले हो रही है जिसको गेल ले कर रहा है, उस पाइपलाइन को जैसे ही वो कमीशन हो जाएगी गैस चार्ज हो जाएगी फिर उसमें से जो है टॉरेंट गैस उससे कनेक्शन लेगा और अपनी पाइपलाइन ले करना शुरू करेगा। जिस जिस एरिया में पाइपलाइन जाती रहेगी उसका हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, उसके बाद उसका टाइम फ्रेम देंगे कि आप रजिस्ट्रेशन आज करा रहे हैं तो मैं कितने दिन के अंदर आपको गैस चालू कर दूंगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन हम तभी करेंगे जब हम लोग उसमें उस एरिया में अपनी पाइपलाइन जो डाल देंगे। पहले से हवा में काम करने से फायदा नहीं होता, रियल ग्राउंड पे जो मैं पाइपलाइन ले करूंगा उस टाइम में मैं रजिस्ट्रेशन शुरू करूंगा, और उस कनेक्शन को लाने के बाद में वो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी घर में कनेक्शन दिया जा सके, लेकिन लिंक उससे है पहले गैस मैं लूंगा गेल की पाइपलाइन से, उसके बाद अपनी पाइपलाइन ले करूंगा, उसके बाद में उस एरिया में रजिस्ट्रेशन शुरू करूंगा। पर एक बार अगर गैस उस एरिया में आ गई तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, देश के जो गैस के रेट है थोड़ा सा वैरी होते थे बट फिर भी नियर अबाउट 20% के आसपास जो है ये चीपर होगा। लिक्विड फ्यूल से डिपेंड ये करता है कि मैं कौन सा फ्यूल यूज कर रहा हूँ, जैसे आपका डीजल है उससे करीब करीब जो है आपका 30% के आसपास ये चीपर रहता है, पेट्रोल से जब कंपेरिजन करेंगे क्योंकि प्लेस टू प्लेस थोड़ी वेरिएशन होता है कॉस्ट में, 40% के आसपास पेट्रोल निकल गया 40% के आसपास। ये हम लोग जो नंबर्स दिए हैं इनको अचीव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये तो हमारा कमिटमेंट है, और उसके अलावा भी इससे ज्यादा नंबर जैसे बढ़ते रहेंगे, अल्टीमेटली तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाउस होल्ड बढ़ रहे हैं ना, उनको भी हम आगे देते रहेंगे, अब वो मुझे लगता है काफी कुछ रिप्लेस हो जाए। 100% कहना तो बड़ा मुश्किल है, कौन कहां पर होगा आपको भी।
वो दोनों चीजें जो है लिंक है गैस से, पर जो सीएनजी वाला है वो थोड़ा तेज आएगा, क्योंकि उसका एडवांटेज ये है कि मांगे वाली गैस आपकी गोरखपुर के आसपास से कहीं से निकल के जा रही है। ये हम लोग का इंटेंशन है, एक साल के अंदर हम शुरुआत कर दें, शुरुआत के अंदर कुछ लगे जरूर। आंधी में तो ये संत कबीर नगर पड़ सकता है, लेकिन अक्सर अक्सर लोग जाने वाले देवरिया के हैं, कुशीनगर के हैं, तो वो कैटर कितना करेंगे गोरखपुर के लिए पर्टिकुलर के लिए? सर मेरा सवाल ये है, ठीक है मैं इसको फिर से थोड़ा सा आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। जो हम लोगों को ये नंबर्स लगाने हैं ये मिनिमम नंबर्स है, मैक्सिमम नंबर्स नहीं है, दैट्स वन। सेकेंडली चीज है कि मेरा खुद का ये मेरी बिजनेस है, टॉरेंट की बिजनेस किसी भी कंपनी का, वो ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करेगा। आप जहाँ लगाने की कोशिश करेगा जहाँ पे भी आपके व्हीकल्स काफी है, तो हम लोग गोरखपुर से शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है गोरखपुर में रहेंगे, वो आपके तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सभी हाईवेज के ऊपर होंगे, सिटीज के अंदर होंगे, ये सभी जगह का कवर किया जाएगा। ऑनली थिंग यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन लोकेशन एंड गोइंग टू अदर लोकेशन, जिस भी रूट पे गाड़ियां चलेंगी उसी रूट पे हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, तो सभी जगह तीनों डिस्ट्रिक्ट में होगा। एक चीज और बता दूं यहाँ पे, जब आप सीएनजी व्हीकल में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो करीब करीब जो 200 किलोमीटर उसमें आराम से चली जाती है, इसीलिए उसका ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि मुझको बहुत दूर जा नहीं सकता, ये तीनों सिटीज में आराम से इधर उधर जाने कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 मिनिमम रहेंगे, ये 100 भी हो सकता है, डिमांड के हिसाब से जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, अल्टीमेटली तो हमारा बिजनेस है ना, हम उसको बढ़ाएंगे। आप एक चीज बता रहे थे कि जो रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, रजिस्ट्रेशन पीएनजी घरों के लिए करने की बात करें, बाकी सीएनजी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसमें तो सिर्फ आपको जाना है और अपनी गाड़ी भरवानी है, सिर्फ उसमें जो है कन्वर्सन करना है किट का, उसमें आपका सिलेंडर लगेगा और आपकी कन्वर्सन होगा, तो वो आप उसको कहीं भी भरवा सकते हैं। ये जो नंबर है ये तीनों के लिए, ठीक है, अब उसके अलावा ये भी मैंने आपको बोला कि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है, इसलिए हम लोग जो है क्योंकि आपका एरिया गोरखपुर का सबसे बड़ा है बाकी दोनों डिस्ट्रिक्ट से, सो नेचुरली यहाँ पे कनेक्शन बाकी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा होगा, लेकिन जहाँ भी जो आया वो कनेक्शन मिलेगा। ये हम लोगों का जो आइडिया है वो 100% सभी को कवर करने का है, सिर्फ ये होता है कि पाइपलाइन ले करने में जो टाइम लगता है वो जो भी टाइम लगेगा वो सिर्फ ऐसा है कि जिसकी वजह से तय होगा कि मैं कहाँ पे कितनी दूर में कितना टाइम में पहुंचूंगा। ये जो आपका जो नंबर्स है कि क्या होता है कि आपको और मेनली जो दो फ्यूल यूज होते हैं, तो आपका पेट्रोल यूज होता है, दूसरा यूज होता है डीजल, ठीक है। अब डीजल में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है इसकी सल्फर की, जिसे आपने देखो आंखों में बर्निंग होती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, इस तरीके से, तो ये पेट्रोल में भी होता है बट डीजल से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो जो व्हीकल्स हैं, जो पेट्रोल वाली व्हीकल्स हैं, वो तुरंत के तुरंत जो है कन्वर्ट हो जाती हैं सीएनजी में, क्योंकि आपको किट लगा। डीजल वाली जो व्हीकल्स हैं वो तुरंत जो है वो कन्वर्ट नहीं होती, वो नॉर्मली मार्केट में आज की डेट में सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल्स सभी आने लगे, बस भी आती है, ट्रक भी आने लगे हैं, ऑटो भी आने लगे हैं, फ्यूचर में टू व्हीलर भी आएंगे, तो ये जितना स्विच ओवर जल्दी करेंगे उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो 178,000 जो पीएनजी कनेक्शंस का हम लोगों ने वादा किया है वो मिनिमम कनेक्शंस है, तो वो हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में देंगे। अब जैसे जैसे हमारी पाइपलाइन बढ़ती जाएगी, पहले तो गैस चार्ज हो, जो जो ऊर्जा गंगा की जो पाइपलाइन है गेल की, उसके अंदर गैस पाइपलाइन जैसी चार्ज होगी उससे जो है टॉरेंट गैस जो है उससे कनेक्शन देगा और वहाँ पर जो है हमको गैस मिलना शुरू हो जाएगा। उस गैस के ले जाने के लिए हम शहर के हर हर हिस्से में हम पाइपलाइन ले करेंगे, वो स्टील की पाइपलाइन भी होगी और पॉलीएथिलीन पाइपलाइन होगी। उसके बाद उस पाइपलाइन छोटी पाइपलाइन हर एक घर में होगी, जैसे आपका गैस की ये पाइपलाइन की पाइपलाइन है और केबल है जैसे बिजली का, ऐसे ही हर घर के पास में ले जाएगी। तो हम लोगों का इंटेंशन होगा जिधर से हम पाइपलाइन हमारी आगे बढ़ती रहेगी उस तरह से हम कनेक्शन देते रहेंगे। अब इसका एक प्रोसेस यही है कि जब मैं उस एरिया में जाऊँगा तो मैं लोगों से पूछूंगा कि भाई कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड है गैस लेने के लिए, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमारा शुरू होगा, क्योंकि सभी लोग एकदम फर्स्ट राउंड में सब लोग नहीं लेंगे, कुछ लोग पहले लेंगे, थोड़ा सा कुछ बाद में होंगे, कुछ घर लॉक्ड होंगे, कुछ किराए पे होंगे, तो सब लोग नहीं ले पाएंगे। तो जिस तरह से ही हम जिस एरिया में जाएंगे हम अनाउंस करेंगे कि भाई अभी हम इस एरिया में अगले 2 महीने में कनेक्शन देने वाले हैं, तो आप जो 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 भी लोग हैं वो अपना इसमें हमको अपना रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ इतने लोग इंटरेस्ट हैं, उतना हम मटेरियल अरेंज करेंगे, उतना हम कॉन्ट्रैक्टर अरेंज करेंगे, उतना हमारा काम शुरू होगा। इसका हम लोगों ने अभी जो टोटल नंबर है वही फिक्स हुआ है, किस एरिया में कितना जाएगा उतने डिटेल में अभी हम लोगों को सर्वे करना है हर एक एरिया का, और उसके बेस पे वो डिसीजन लेना। 178,000 जो हम लोगों ने बोला है वो टोटल नंबर्स हैं, ठीक है, वो नंबर हमको अचीव करने हैं। और जो है जिस तरह जो मैं पाइपलाइन जिस जिस एरिया में जाती रहेगी उस एरिया में कनेक्शन देता रहूंगा, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया कि इस एरिया के लिए इतने, इस एरिया
वो इसमें कोई लिमिटेशन उस तरह का नहीं है जैसे एलपीजी कनेक्शन का लिमिटेशन है कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, सिलेंडर की शॉर्टेज, यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है। यहाँ तो जितना भी लोग लेना चाहेंगे उनको हम लोग घर पे प्रोवाइड करते हैं। ये जो कंपनी है ये बेसिकली हम लोग अल्टीमेटली सर्विस प्रोवाइडर है। अल्टीमेटली जो गैस आ रही है ये गैस वो है जो कि इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रही है, डोमेस्टिक गैस है, गवर्नमेंट ने ही उसको चीपर रेट पर रखा है। उसमें दूसरी तरह की गैस है बट ये पार्टिकुलरली घरों में गैस देने के लिए और व्हीकल को देने के लिए ये जो गैस है डोमेस्टिक गैस है जो कि सबसे सस्ती गैस है मार्केट में। यहाँ की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और सभी लोगों को हम लोगों ने कॉम्युनिकेट कर दिया, इन्विटेशन दे दिया है और हमारी पूरी टीम जो है वो लगी हुई है। टॉरेंट की टीम जो आगरा से यहाँ आई हुई है, करीब 20-25 लोग यहाँ पे ऑलरेडी रात दिन काम कर रहे हैं और तैयारी करीब करीब पूरी हो गई। इसमें ऐसा है कि जो पहले जो प्रोग्राम होगा उसमें सीएम साहब जो हैं वो आएंगे, एज ए चीफ गेस्ट आएंगे। हाँ, और सीएम साहब जो है वो यहाँ का जो हमें जो मिला है उसका इनॉग्रेशन वो करेंगे, प्लेग का अनावरण करेंगे और उसके बाद वो अपना इसके बारे में बताएंगे, गैस के बारे में। सब्सिक्वेंटली ये हमारा डायरेक्ट जो कनेक्शन होगा विज्ञान भवन से, सो उसके साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वह विज्ञान भवन से कनेक्टेड हो जाएगा 4 बजे के करीब। और उसके बाद जो पीएम साहब है वो एड्रेस करेंगे और सारे सभी जगह पे इनॉग्रेशन को अनाउंस करेंगे। साथ में 10वें राउंड के बिडिंग के बारे में भी वो अनाउंस करेंगे कि इसका अनावरण हो रहा है और उसका प्रोसेस चालू होगा। ये दो चीज़ होने वाली है।